प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। और आज एक और गंभीर टॉपिक लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस एक महामारी ने किस प्रकार से दोबारा से भारत के ऊपर अटैक किया है, और हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन केस बढ़ते चले जा रहे हैं और स्थिति बहुत ही विस्फोटक हो चुकी है। और ऐसी परिस्थिति में खबरें ऐसी आ रही हैं कि अब लॉकडाउन की ज़रूरत है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन हमें देखना पड़े, लेकिन ये सब बातें भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा बच्चों के विषय में, क्योंकि ये वर्ष उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आज इसी विषय पर मैं बातचीत करूंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूं, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आप तक पहुंच सके। हालेलुया। तो आइए आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका मैं, थोड़े से समय में हम बहुत अच्छी सी बातें करेंगे। और ये बहुत गंभीर मसला है पूरे इंडिया के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ मसीही बच्चों के लिए, सभी बच्चे इसमें शामिल हैं, चाहे वो कौन किसी भी जाति धर्म के हों, किसी भी एज के हों, किसी भी तबके के हों, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद बताइएगा कि आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा। तो आज हम बाइबल से इस बारे में सीखेंगे, इस बाइबल से इस विषय में जानेंगे कि लॉकडाउन के या कोरोना वायरस के काल में हमें किस प्रकार से बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, स्कूल अपनी जगह है, बच्चे अपनी जगह है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं, अपने अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग उनके विचार हैं, अलग अलग सारी बातें हैं। तो इन सब बातों को हम एक साथ नहीं मिला सकते। तो आइए हम वचन से देखेंगे। सबसे पहले एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, ये वचन है मरकुस की पत्री में है। बच्चों के विषय में हम देखेंगे सबसे पहले कि बच्चों के विषय में प्रभु यीशु मसीह के क्या विचार है, क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह बच्चों के विषय में। हम देखेंगे नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह के पास बच्चों को लाया गया तब यीशु मसीह ने क्या किया। लूका 18 अध्याय में है, 15 आयत से मैं पढ़ूंगा। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, और चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है, परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। तो बच्चों के विषय में क्या धारणा है प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चे बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि अभी लड़ेंगे, थोड़ी देर बाद फिर मिल जाएंगे। छोटे बच्चे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, वो बालकपन में आते हैं, फिर वो लड़कपन में आते हैं, फिर वो जवानी में आते हैं। और आज हम हरेक आयु के बच्चे की बातचीत करेंगे। तो कोरोना काल चल रहा है और हमारे देश में कोरोना ने फिर से अटैक किया है, और इसकी जो भयानक स्थिति बनती चली जा रही है। एक ही दिन में लाखों से लाखों केस एक दिन में आ रहे हैं कोरोना के। और ऐसी परिस्थिति में अगर बच्चों को एग्जाम में बैठाया जाए तो उस समय क्या हाल होगा, इस बात का अंदाजा लगाना मेरे और आपके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया गया तब केस बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन जब लॉकडाउन हटाया गया तो उसके बाद क्या हुआ, केस घटते चले गए। लेकिन यहां पर भी हम देख रहे हैं इस साल अभी लॉकडाउन नहीं लगा है फिर भी केस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मेरे मन में जो बातें हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उससे पहले एक वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहेजकेल नबी की पुस्तक है, उसका 16 अध्याय और उसके 20 पद को देखेंगे क्या लिखा है।
हालेलुया। यहेजकेल 16 अध्याय की 20 आयत में लिखा है, फिर तूने अपने पुत्र और पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाई, क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात है। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है और इस ये वचन इस बात से बिल्कुल रिलेटेड है, बिल्कुल मिलता है इस बात से कि हम जिन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो बच्चे हमारे नहीं है, वो बच्चे परमेश्वर के हैं, तो हम उनका पालन पोषण कैसे कर रहे हैं। तो क्या हम उन बच्चों को कोरोना काल के मुंह में धकेल दें, क्या हम उनको बीमार होने के लिए स्कूल भेज दें, क्या हम उनको अपने हाथ से खोने के लिए उनको कोरोना काल के बीच में भेज दें, क्या हम कोरोना के लक्षण उनके अंदर देखें। ऐसा नहीं है, हमें बहुत ही सावधानी से चलने की जरूरत है। यहां पर मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। यहेजकेल 16 अध्याय का 20 पद है, यहां लिखा है, फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाया, क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात है। हम यहां लिखा है कि मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ा दिया, यहां पर परमेश्वर का वचन कुछ और बता रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम भी अपने बच्चों को कोरोना को नैवेद्य करके चढ़ा रहे हैं, यानी कि उनकी बलि दे रहे हैं। अगर हम कोरोना के बीच में अपने बच्चों को इस तरह से एग्जाम में बिठा देंगे, बोर्ड एग्जाम में बिठा देंगे, तो हर तरह के बच्चे वहां पर आएंगे, हो सकता है किसको कौन सी बीमारी हो, किसको कोरोना हो, क्या हो, और वहां पर अगर टच होंगे आपस में, एक दूसरे से हाथ भी मिलाएंगे बच्चों को, कौन रोक सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको नैवेद्य करके चढ़ा रहे हैं कोरोना को। तो मेरे विचार से इस कोरोना काल में बोर्ड एग्जाम होना बिल्कुल गलत है। ऐसे मौके पर संयम बरतना होगा गवर्नमेंट को और समय देना होगा बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे हर एक माता पिता के जिगर के टुकड़े होते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उनके बच्चों को कोई नुकसान हो, उनके बच्चों को कोई चोट लगे, उनके बच्चों को कोई बीमारी हो। अगर बच्चा अगर घर में गिर भी जाता है तो माँ बाप को कितना दुख होता है। तो क्या हम अपने बच्चों को कोरोना से ग्रसित होने के लिए उनको स्कूल भेज दें? नहीं, पूरी उम्र पड़ी है पढ़ाई के लिए। ये कोरोना हमेशा के लिए नहीं आया है, ये चला जाएगा, हो सकता है इसी साल में ये चला जाए। हमें क्या करना है, थोड़ा सा सजग होना है, थोड़ा सा सावधान होकर चलना है, ताकि हम आने वाले दिनों के लिए अपने बच्चों को तैयार कर सकें। जब ये चला जाएगा कोरोना वायरस, तो पढ़ाई के लिए जिंदगी पड़ी है। हमने देखा है कि बहुत से उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है लोगों की, तब भी पढ़ाई करते हैं। स्त्रियां शादी के बाद भी पढ़ाई करती हैं, पुरुष शादी के बाद भी पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है, पढ़ सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आ बैल मुझे मार, या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना, ये इसी के समान होगा। अगर हम कोरोना काल में अपने बच्चों को एग्जाम देने के लिए, खासतौर से बोर्ड एग्जाम देने के लिए कहीं भेजते हैं, तो मेरे विचार से कि इस प्रकार से कोरोना काल में बोर्ड एग्जाम ना हो तो अच्छा है। जैसे कि सोनू सूद ने कहा है, मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ कि हाँ, कोरोना काल में बोर्ड एग्जाम नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट को इस बात पे सोचना और विचार करना चाहिए। हालेलुया, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और एक नए एपिसोड के साथ। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग जान सकें कि ये औलाद जिन्हें हम पाल रहे हैं वो किसकी है। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको आशीष दे।